ये है कामधेनु भारत। वंदे गो मातरम। मैं वैद्य डॉक्टर नितिन संजय अंबटकर। जैसा कि हम बोलते हैं कि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर जो हमारा आहार है, विहार है, उसमें बहुत सारे ड्रास्टिक चेंजेस हुए हैं। तो हम ऐसा नहीं बोलते कि सभी रोगों के लिए हमने आयुर्वेद को अपनाना चाहिए या सभी रोगों के लिए हमने पंचगव्य औषधि। जैसे हम बोलते हैं कि गोमूत्र अर्घ, गोमूत्र आसव या हल्दी घनवटी या हरडे चूर्ण, बहुत सारी हमारी 42 टाइप्स की दवाइयाँ है अभी के डेट में। तो और बहुत सारी दवाइयाँ बन भी रही है नई नई कॉम्बिनेशन से। हर्बो मिनरल कॉम्बिनेशन है या पंचगव्य और हर्ब्स का कॉम्बिनेशन है। तो ये हमने बहुत सारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है उस पर भी यूज़ किया है। जैसे हम बोलते हैं कि मधुमेह या प्रमेह बोलते हैं। जैसे मॉडर्न मेडिसिन उसमें दो टाइप बोलते हैं कि टाइप 1 या टाइप 2 या डायबिटीज मेलाइटस या डायबिटीज इंसिपिडस, लेकिन आयुर्वेद में उसके 20 प्रकार दिए हैं। तो उस 20 प्रकार को उचित डायग्नोस करके उसका उचित निदान करने के बाद ही उचित ड्रग अगर हम देते हैं उसको और लाइफस्टाइल उसका मॉडिफाई करते हैं, डाइट मॉडिफाई करते हैं, तो हम उसको अर्ली स्टेज में डिटेक्ट करके क्योर भी कर सकते हैं। मतलब इसके बहुत सारे उदाहरण भी हमारे पास। मेरे खुद के पेशेंट हैं थायराइड के, बहुत सारे पेशेंट रिवर्स हुए हैं। सब क्लिनिकल थायराइड जो बोलते हैं हम, T3 T4 नॉर्मल रहता है उनमें और TSH लेवल बढ़ा हुआ रहता है। तो पंचगव्य औषधियाँ जो हम बोलते हैं और आयुर्वेद औषधि जैसे रसपाचक वटी हो गया, कांचनार गुग्गुल हो गया या थायराइड का एक हर्ब्स का फॉर्मूला हो गया, ये बना के हम अगर थायराइड को पेशेंट को देते हैं उसमें डाइट और लाइफस्टाइल का मॉडिफिकेशन अगर करते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं उसमें। हम ये नहीं बोलते कि एक्सीडेंट हो गया तो आप किसी वैद्य के पास जाइए या लेप लगाते बैठिए या जड़ी बूटी लगाते बैठिए। काल के हिसाब से हमें बदलना चाहिए, लेकिन फिर आगे जाके अगर ये चक्र कंप्लीट होता है तो फिर से हमें हमारे रूट के तरफ वापस आना चाहिए। जो बोलते हैं ना, गो बैक टू योर रूट्स। तो हमें किस जगह कौन सी चीज़ अप्लाई करना चाहिए हमें समझना चाहिए। एक समाज के रूप में हमें, अगर हमारे ही देश में इतनी सारी हमारी औषधि संपत्ति है तो हम बाहर के अगर मेडिसिन के पीछे लगे हैं। जैसे आप अभी बोलते थे कोरोना के टाइम पे बहुत सारी चीज़ें अभी बाहर से हमने एक्सपोर्ट करी है कि जैसे मेडिसिन का कोई ट्रायल भी नहीं हुआ है। पहले प्लाज्मा लगा, उसके बाद में बोल दिया कि प्लाज्मा इफेक्टिव नहीं है। तो ये सब चीज़ें हमने खुद पे ट्रायल करवा लिए है ना। लेकिन यही चीज़ हम अगर पंचगव्य औषधियाँ हमारे गोमूत्र अर्घ रहे या बाकी औषधियाँ रहे या आयुर्वेद दवाइयाँ रहे उसका ट्रायल लेने के लिए हम हिचकिचाते हैं कि बोलते एविडेंस नहीं है, इसका एविडेंस बेस्ड मेडिसिन नहीं है। तो ये भारत के लोग ही अगर भारत की मेडिसिन पे, जो भारतीय चिकित्सा पद्धति है, अगर विश्वास नहीं करेंगे तो बाहर देश की तो बात ही छोड़ दीजिए आप। तो इसीलिए हमें प्रोएक्टिव होकर इसको आगे ले जाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मतलब सिर्फ कोरोना में ही नहीं, बहुत सारे विषाणुजन्य आज़ार, मतलब जो डिसीज़ है, व्याधियाँ है, जैसे डेंगू का अभी है तो वही एक विषाणु से ही होता है, आपको सबको पता ही होगा। तो ऐसे बहुत सारे इम्यूनोकॉम्प्रेसिव अगर ड्रग हम लेते हैं उसमें या प्लेटलेट बनाने के लिए हम कुछ लेते हैं, आप देखिए आज बहुत सारे अस्पतालों में भीड़ लगी है डेंगू के पेशेंट की, लेकिन प्लेटलेट बढ़ाने के लिए आखिर में वो क्या यूज़ करते हैं? जो पपया का लीफ का एक्सट्रैक्ट है उसकी कैप्सूल या टैबलेट या सायरप बना के देते हैं, दूसरा कुछ मेडिसिन बना नहीं है उसके लिए अभी। ये बातें बताने की ज़रूरत भी नहीं, ये ओपन प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। तो हमने जिस जगह जिस पैथी का या जिस मेडिसिन का ज़्यादा इफेक्ट है या ज़्यादा यूज़ है वो अगर हम पिक करते हैं और अच्छे एक समाज के लिए इंटीग्रेटेड अप्रोच करके होलिस्टिक मेडिसिन का अगर अप्रोच रखते हैं तो मुझे लगता है ये समाज बहुत ज़्यादा विकसित होगा और आगे जाएगा। ऐसा एक रूढ़िवादी रह के या झाड़ फूक कह के या पिछड़ापन उनको लेबल लगा के हमने अगर हीन भाव से उनको देखा तो मुझे लगता है ये हमारा ही लॉस है उसमें। तो सभी जगह से हमने कुछ अच्छा पिक करना चाहिए और अच्छा अडॉप्ट करना चाहिए। यही मैं सबको एक सलाह देना चाहता हूँ, एक वैद्य के रूप में आपको सलाह देना चाहता हूँ कि आप बोलते हैं बहुत बार कि ये डॉक्टर अच्छा नहीं है, वो डॉक्टर अच्छा नहीं है, उसके पास गया तो आराम हुआ, इसके पास गया तो आराम नहीं हुआ। लेकिन आप एक अच्छे पेशेंट है क्या? एक अच्छे रुग्ण की क्वालिटी आप में है क्या? एक अच्छे रुग्ण के जो गुण बताए हैं चरक संहिता में आचार्य चरक ने, वो आप में है क्या? तो आप एक पहले अच्छे रुग्ण भी बनने की कोशिश कीजिए, उसके बाद में वैद्य को या डॉक्टर को आप थोड़ा सा, उसके बाद में आप एक लेबल लगाइए, जज कीजिए। यही एक मैं थोड़ा सा मैसेज देना चाहता हूँ आपको। बहुत बहुत धन्यवाद।